नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का होम साइंस का फर्स्ट पेपर, जो अपना आगरा यूनिवर्सिटी है उसके लिए यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपना जो सेकेंड पेपर होगा वो कैसा होगा, सेकेंड पेपर रहने वाला एमसीक्यू है ना, सेकंड पेपर क्या होगा एमसीक्यू रहने वाला है। तो एमसीक्यू का नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे भाई, डिस्क्रिप्शन में रखा है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा नोट्स, नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन से। तो डिस्क्रिप्शन में आके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, एक भी क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो नोट्स डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपका। अगर आपको बी ए सेकेंड ईयर का होम साइंस का फर्स्ट भी चाहिए और थर्ड भी चाहिए तो भी नोट्स डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू भी आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं, यहां पर देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर होम साइंस का फर्स्ट पेपर का, आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फूड न्यूट्रिशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद कर लेना है। बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, यहां देखा है पोषण का अर्थ। पोषण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, भोजन का कार्य और कुपोषण से संबंधित आपको बताना है क्या क्या हो जाता है। हेडिंग भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके एग्जाम में। अगर आपकी हेडिंग मजबूत है तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी नंबर जो है एग्जाम जो कॉपी चेकर जो होता है वो आपकी नहीं काटेगा, ठीक है, नंबर नहीं काटेगा। जो नंबर होते हैं वो किससे मिलते हैं, हेडिंग से। अगर हेडिंग अच्छी है तो नंबर अच्छे मिलेंगे, हेडिंग अच्छी नहीं है तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। हेडिंग नहीं डालोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी बात ये है। हेडिंग डालना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं, देखा है खाद्य पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में, ऊर्जा और कैलोरी की परिभाषा भी आपको देना है, ठीक है। ऊर्जा कैलोरी की परिभाषा आपको बताना है। बात करते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं, और देखा है प्रभावी करने वाले इसके कारक जो हो जाते हैं संतुलित आहार को, वह भी आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा भोजन के आवश्यक तत्व, भोजन में आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके स्रोत, कार्य, पोषण, कमी है ना, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल तथा विटामिन आल के बारे में आपको यहां पर बताना हो जाता है, ठीक है। भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से आपको पता ही है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कार्य, शोषण है ना, इसका शोषण कैसे होता है, कमी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है ना, इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, इनको भी ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है थ्योरी वाइज, ठीक है बस। और इसकी हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हेडिंग याद कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन विधि, पाचन अंग, पाचन विधि क्या होती है, पाचन अंग क्या होते हैं, आधारभूत सात भोज समूह के बारे में भी आपको यहां पर देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध व दूध के उत्पादन कौन कौन से हैं, इसको देख लेना है यहां पर, और किशोर अवस्था में संतुलित आहार देना क्यों आवश्यक होता है, इसके लिए भी आपको देख लेना है, ठीक है। दूध व दूध के उत्पादन तथा किशोर अवस्था में संतुलित आहार देना क्यों आवश्यक होता है, इसको यहां पर देख लेना अच्छी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भावस्था में पोषणात्मक, पोषणात्मक आवश्यक क्यों होता है, जो पोषणात्मक पदार्थ होते हैं गर्भावस्था में वे क्यों आवश्यक होते हैं, एक दिन का आहार नियोजन की विधि भी आपको यहां पर बतानी है ध्यान से, ठीक है। देखिएगा आगे देखा है, एक दिन का आहार नियोजन जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृद्धावस्था क्या होती है, दैनिक आहार और तंत्रिकाओं के बारे में भी आपको, दैनिक आहार और तालिका बनाओ, अच्छा तालिका बनाना है, वृद्धावस्था क्या है और दैनिक आहार व उसकी तालिका आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं भोजन बनाने की विधियां का वर्णन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट का वर्णन कीजिए, जो भोज्य पदार्थों में मिलावट होती है उसके बारे में यहां पर बताना है, और उनकी जांच विधि के बारे में भी आपको लिखना है, इनकी विधियां कैसे कैसे इनकी जांच की जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता क्या होती है, भोजन विषाक्तता होती है, फूड पॉइजनिंग जो होती है उसके बारे में यहां पर देख लेना है। और जो आरडीए की बात करता है ना, मतलब प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या होती है, इसके बारे में भी ध्यान से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्वच्छात्मक तत्व कौन कौन से हैं, जो स्वच्छात्मक तत्व होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, हेडिंग डाल के लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। काली हेडिंग नहीं ले जाओ तो काला पेन ले जाना, थोड़ा मोटा वाला, वो आपके काम में आ जाएगा। बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा आयु के अनुसार व्यय होती है, ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा आयु के अनुसार व्यय होती है, इसके बारे में भी आपको समझाना है, ठीक है, डिटेल में हाइड्रिंग डाल डालकर। बात करते हैं नेक्स्ट, वर्षा के जल की विशेषताएं क्या होती हैं, और इसका और बताना है अंकुरण क्या होता है,
वर्षा के जल की विशेषताएं तथा अंकुरण क्या होता है इसके बारे में ध्यान से देखना है, इसकी हेडिंग याद करके उन्हें समझाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, किशोर बालिका के लिए पोषक क्या है? तो किशोर बालिका के लिए पोषक क्या है यहां पर आपको देख लेना है ध्यान से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान पोषक का वर्णन कीजिए। गर्भावस्था के दौरान भी पोषण का वर्णन करना है और किशोर बालिका जो होती है उसके अनुसार भी पोषक का ही वर्णन करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट देखा है, प्रेशर कुकिंग क्या होता है ना, प्रेशर कुकिंग क्या होता है इसके बारे में ध्यान से देखना है, हेडिंग भी लिखना है इसकी और डिटेल में उन्हें समझा देना है। बात करते हैं आपके अपनी भाप है, भाप के दबाव द्वारा पकने की जो सिद्धांत है ना, जो खाना पकाने का वो सिद्धांत हो जाता है प्रेशर कुकिंग के अंदर, तो इसके बारे में ध्यान से समझाना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो भाई आपके देखो सारे के सारे क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले आपकी हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। हेडिंग पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, ज़्यादा फोकस थ्योरी पर नहीं देना है, थ्योरी को बस एक बार पढ़ना है, थ्योरी को बस एक बार पढ़ना है। ज़्यादातर क्या करना है, हेडिंग याद करना है। हेडिंग अगर आपने अच्छी प्रकार से लिख दी तो आपका एक भी नंबर एग्जाम नहीं काट सकता, ठीक है। बस हेडिंग आपकी मजबूत होना चाहिए, अगर हेडिंग मजबूत तो नंबर मजबूत मिलेगा, हेडिंग मजबूत नहीं है तो भाई आपको नंबर मजबूत नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो हेडिंग पर आपका फोकस होना चाहिए, चाहे आपके जो होते हैं ना कि कोई भी होते हैं कि इनके जरिए परिभाषा इस प्रकार से दी गई, उससे वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है हेडिंग से। उनके नाम आपको याद हैं, चाहे कुछ भी लिख दो घुमा फिरा कर, आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। मगर हेडिंग मजबूत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। लीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट, बिल्कुल स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। बस कंप्लीट आते हैं यहाँ पर सारे के सारे, बस इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एमसीक्यू नोट्स चाहिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और थ्योरी वाइज भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं सारे के सारे, तो पढ़ो और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हेडिंग याद कर लीजिएगा सारे के सारे। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।